मैं बीमार हूँ, मुझे खेलना चाहता हूँ, मैं इलाज करवाने खेलना चाहता हूँ। इलाज के लिए मदद की अपील करता ये कराची के इलाके मलिर जामकंडा के रिहायशी 14 साला इस्लाम है, जो कि 2 बरस से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है। खेलने और कूदने की उम्र में ये बच्चा इलाज का मुंतजर है। इसकी वालिदा अपने बच्चे के इस हालत पर गमजदा है और इसकी यही ख्वाहिश है कि कोई मसीहा इसके लखते जिगर का इलाज कराए। मैं चौका नहीं पहती बीमार है, मैं चौक भी बीमार है, मेरा मदद वे का। 14 साला इस्लाम उस्मान का वाहिद बेटा है, जबकि इसकी 4 बेटियां हैं। गुर्बत और तंगदस्ती के बाद बीमारियों ने भी इस घर का रुख कर लिया है। उस्मान का कहना है कि पिछले 2 साल से वो खैराती इदारे की मदद से अपने बच्चे का इलाज करा रहा था, मगर अब इस इदारे ने भी इनसे मुंह मोड़ लिया है और वो बेयारो मददगार है। छोटे छोटा बच्चा है, अभी मेरे समझ में नहीं आता है, एक बेरोजगार है और इसको गुर्दा अगर मैं दे दूँ, डॉक्टर ने बोला इसको गुर्दा दे दिया जाए, लेकिन अगर मैं इसको गुर्दा दूँ तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मेरा ये इकलौता बेटा है। इस्लाम का वालिद उस्मान सुनने की सलाहियत से महरूम होने के बावजूद जैसे तैसे घर की कफालत कर रहा था, लेकिन अब एक ज़हनी मर्ज में मुब्तला हो चुका है और अब दुखों के मारे इस खानदान की कफालत रिश्तेदार कर रहे हैं। बेबसी की तस्वीर बने ये मुतासर अफराद हुकूमत और मुखय्यर अफराद की जानिब से इमदाद के मुंतजर हैं। कैमरामैन रमीज वोरा के साथ शफी बलोच, समा, कराची।